जनहित याचिका यानी पीआईएल का मकसद सार्वजनिक हितों की सुरक्षा के लिए एक प्रभावी विधि मंच मुहैया करवाना है। भारत में जनहित याचिका का सफर 1970 के दशक के अंत में शुरू हुआ और 1980 के दशक के अंत में यह पूरी तरह से प्रोस्पेक्टेड हो गया। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस पीएन भगवती और न्यायमूर्ति वीआर कृष्ण अय्यर जनहित याचिका के अवधारणा के प्रणेता माने जाते हैं। न्यायमूर्ति भगवती ने जनहित याचिका की अवधारणा को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया था। उन्होंने कानून की प्रक्रियात्मक और तकनीकी पक्ष के पालन पर जोर नहीं दिया और किसी भी नागरिक द्वारा लिखे गए साधारण पत्र को भी रिट याचिका का दर्जा दिया। पीआईएल को किसी कानून या अधिनियम में परिभाषित नहीं किया गया। यह न्याय सक्रियता के माध्यम से अदालतों द्वारा जनता को दी गई शक्ति है। याचिका दायर करने वाले को अदालत में यह साबित करना होता है कि याचिका जनहित के लिए ही दायर की गई है। जनहित याचिका के तहत विचार किए जाने वाले मामलों में उपेक्षित बच्चे, बंधुआ मजदूर जैसे मामले, महिलाओं पर अत्याचार और श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान न करना, आकस्मिक श्रमिकों का शोषण करना, खाद्य अपमिश्रण, पर्यावरण प्रदूषण, परिस्थात्मिक संतुलन की गड़बड़ी और विरासत और संस्कृति जैसे विषय भी शामिल हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पहले पीआईएल 1989 में एडवोकेट कपिला हिंगोरानी ने दायर किया था। केस था हुसैना खातून परनाम बिहार सचिव, यानी इस जनहित याचिका में बिहार में उन विचाराधीन कैदियों के लिए न्याय की बात की गई थी जो दोषी पाए जाने की तुलना में भी सजा मिलने के लंबे समय तक मुकदमे की प्रतीक्षा में जेल में ही रहे थे। पीएल के हवाले सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को नोटिस जारी किया था और आगे चलकर इस केस में जुड़े सभी पीड़ितों को रिहा कर दिया गया था। अंततः देश भर में लगभग 40,000 विचाराधीन कैदियों को रिहा किया गया। यह मामला सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस पीएन भगवती की अगुवाई वाली खंडपीठ के समक्ष दायर किया गया था। अदालत ने हिंगोरानी को एक ऐसे मामले में आगे बढ़ने की अनुमति दी थी जिसमें उनका कोई निहित हित नहीं था और इस तरह जनहित याचिका भारतीय न्याय शास्त्र में स्थायी अध्याय बन गई। चलिए जानते हैं जनहित याचिका क्यों जरूरी है। भारत में कोई भी भारतीय नागरिक या संगठन जनहित याचिका दायर करने के लिए अदालत जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 32 के तहत और हाई कोर्ट में अनुच्छेद 226 के तहत कोई भी उच्च न्यायालय किसी पत्र को रिट याचिका के रूप में मान्यता दे सकता है और उस पर कार्रवाई करने की इजाजत भी दे सकता है। अदालत मामलों से संतुष्ट होने पर अखबारों में छपी खबरों के आधार पर भी कार्रवाई कर सकती है। आंकड़ों के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने 1985 से 2020 के बीच 9 लाख से ज्यादा पीआईएल दायर की गई थी। जनहित याचिका न्याय सक्रियता का ही परिणाम है जिसे जस्टिस पीएन भगवती ने मूल रूप दिया है।
एसपी गुप्ता बनाम भारत के संघ, जिन्होंने कहा था, द कोर्ट हैज टू इनोवेट न्यू मेथड्स एंड स्ट्रेटजीज टू प्रोवाइड एक्सेस टू जस्टिस टू लार्ज मैसेज ऑफ पीपल हु आर डिनाइड बेसिक ह्यूमन राइट्स टू वूम फ्रीडम एंड लिबर्टी हैव नो मीनिंग। पीएल हर उस भारतीय नागरिक के लिए वरदान बनकर आया है जो न्यायालय का दरवाजा खटखटाने में समक्ष नहीं है। भारत की बहुआयामी और जटिल लोकतांत्रिक यात्रा में पीएल निसंदेह एक मील का पत्थर बनकर उभरा है।